वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। यानी यूजुअली कोएगुलेशन मैकेनिज्म जो है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होती है, ठीक है। लेकिन जब वेसल्स में ही कोएगुलेशन होने लगे, क्लॉट बनने लगे, तो इसे बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ये एक क्लिनिको पैथोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। वाइड स्प्रेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन है, जो भी माइक्रो वेसल्स होती हैं, लार्ज वेसल्स होती हैं, उसमें वाइड स्प्रेड यानी थ्रू आउट बॉडी में जो है क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अकर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोकोगुलेंट्स, जो कोएगुलेशन को प्रमोट करते हैं। ये कोएगुलेंट्स की ओवर एक्टिविटी जब हो जाए, जैसे या तो वो ब्लड सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस्ड हो यानी बाहर से आए, या वो प्रोड्यूस्ड हो, दोनों में से किसी भी कारण से ओवरकम द नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स एक्टिविटी, तो बॉडी में जो एंटी कोएगुलेंट मैकेनिज्म है इसकी एक्टिविटी को वो ओवरकम कर देते हैं। यानी एंटी कोएगुलेंट्स जो यूजुअली ब्लड को वेसल्स में ल्यूकिड फॉर्म में बना के रखते हैं, क्लॉट नहीं होने देते हैं, इनकी एक्टिविटी को ये कम कर देते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंजप्शन कोएगुलोनोपैथी या डीफिब्रिनेशन सिंड्रोम। तो MCQ में पूछा जाता है इसको कि कंजप्शन को एगुलोपैथी और डीफिब्रिनेशन सिंड्रोम क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो इट इज़ अ वाइड स्प्रेड हाइपर कोएगुलेबल स्टेट दैट कैन लीड टू बोथ माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर क्लॉटिंग एंड कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड फ्लो, फाइनली अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। यानी एक वैसा वाइड स्प्रेड सिंड्रोम है ये, जिसकी वजह से माइक्रोवेसल्स और मैक्रोवेसल्स में क्लॉटिंग हो जाने से ब्लड फ्लो जो है वो डिफरेंट ऑर्गन को अब्रप्ट हो जाता है, कम हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाता है। क्योंकि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो और ब्लड सप्लाई पे डिपेंडेंट रहते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसकी एटियोलॉजी देखी जाए तो कोएगुलेशन फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स, इनकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है और रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ DIC, जब हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कोई भी ऐसा कारण जो कि टिश्यू इंजरी, सेप्सिस या एंडोथेलियल इंजरी की वजह से प्रोड्यूस हो। जैसे कि जब टिश्यू इंजरी के बारे में बात करें, कोई भी फैक्टर जैसे ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस हो, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स हो, मैसिव ट्रोमा हो, बर्न्स हो, सर्जरी हो, सेप्सिस में कोई भी ग्राम नेगेटिव या अदर इन्फेक्शंस हो, एंडोथेलियल इंजरी में एओर्टिक एन्यूरिज्म या एओर्टा का एनलार्जमेंट हो, हीमोलाइटिक यूरेमिया सिंड्रोम, सीवियर बर्न्स हो, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, इनकी वजह से जो है ये DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन की कंडीशन आ जाती है। अब इनकी जो मैकेनिज्म है आगे कैसे बढ़ती है कि जो टिश्यू इंजरी और सेप्सिस है ये क्या करते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट कर देते हैं एक्सपोजर टू ब्लड, जिसकी वजह से एक्सट्रिंसिक कोएगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। और जो फैक्टर एंडोथेलियल इंजरी को प्रमोट कर देते हैं वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा के इंट्रिंसिक कोएगुलेशन पाथवे को प्रमोट कर देते हैं। अगर आपने क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ी है तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक थ्योरी जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सट्रिंसिक कोएगुलेशन पाथवे और इंट्रिंसिक कोएगुलेशन पाथवे कौन सा होता है। तो फाइनली ये दोनों क्या करेंगे, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन करवा देंगे, यानी वेसल्स के अंदर क्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। कोएगुलेशन मैकेनिज्म वेसल्स के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसकी वजह से तीन चीज़ें आगे प्रमोट होंगी। पहली, कंजप्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स। अब चूँकि वेसल्स में ही क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया तो क्लॉट के लिए प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ गई। क्योंकि जो प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ होते थे वो अब वेसल्स के अंदर ही क्लॉट बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। दूसरा, प्लाज्मिन एक्टिवेशन फाइब्रिनोलाइसिस को ये एक्टिवेट कर देता है। अब वेसल्स में अगर कोएगुलेशन होगा तो फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम जो है उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा, फाइब्रिन डिग्रेडिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। ये फाइनली क्या कर देते हैं, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन।
तो ब्लड वेसल्स में बनने वाले क्लॉट की वजह से फाइब्रिनोलाइसिस सिस्टम जस्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट हो जाता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन रुक जाता है। इसकी वजह से भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बन जाती है, क्योंकि जहां ब्लीडिंग को रोकने के लिए इन सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है वो इनहिबिट हो जाते हैं। तीसरा इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन का इफेक्ट होता है माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन पे। ये क्या करता है, जब माइक्रोवेसल्स यानी कैपिलरीज, तो माइक्रोवेसल्स यानी कैपिलरीज में जब क्लॉट जाएगा तो वो ऑक्लूड हो जाएगी। ऑक्लूड होने के बाद टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसे बोलते हैं इश्यामिक टिश्यू इंजरी। ओके, और इसका दूसरा इफेक्ट पड़ेगा एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी जो एक अगर आपने एनीमिया पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हीमोलाइटिक एनीमिया यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs। तो ये भी एक तरीके का एनीमिया का सब ग्रुप है, जिसमें जो कि वेसल्स में जो प्रॉपर जो किसी भी एंडोथेलियल फैक्टर्स की वजह से RBCs का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, तो ये कंडीशन माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक। तो आई होप कि इसका जो पैथोलॉजिकल पूरा पैथोफिजियोलॉजी है डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन की, आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से वेसल्स के अंदर क्लॉट बनना शुरू होता है और जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या आता है। अब पढ़ते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण से DIC हो सकता है। पहला पढ़ते हैं सीवियर ट्रॉमा। कोई भी सीवियर ट्रॉमा की वजह से डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो सकता है इन्फेक्शन से, ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया की वजह से, सीवियर एक्लैम्प्सिया, बर्न सेप्सिस की वजह से, कोई भी स्नेक बाइट की वजह से, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये अपने मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की वजह से, सेप्टिक अबॉर्शंस की वजह से। सेप्टिक अबॉर्शंस की वजह से क्या हुआ, या तो कोई मिसकैरेज हो जाए या इंटेंशनल अबॉर्शन करवाया जाए, तो उस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एंडोमेट्रियम का जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है और सेप्टिक कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट इज एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म की वजह से, कि जब डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद अगर एमनियोटिक फ्लूड मदर के ब्लड में एंटर कर जाता है तो भी DIC हो सकता है। कोई भी फंगस के प्रेजेंट होने की वजह से, जिसे बोलते हैं फंजेमिया। सो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन करवाते हैं। अगर इसकी मैनिफेस्टेशन देखी जाए तो फीचर्स में क्या आता है, एक तो ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स में कहीं पे भी क्लॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं तो ब्लड के फ्लो में रुकावट आती है, तो जो वेसल्स के थ्रू ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होती है वहाँ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट डिलीवरी कम हो जाती है, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। दूसरा, ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो वेसल्स के क्लॉट में कंजप्ट होने लगे हैं, यूज़ होने लगे हैं, जिसकी वजह से इस कंडीशन को कंजप्शन कोएगुलोपैथी बोलते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं। और दूसरा क्या होता है, इसमें एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी फाइब्रोनोलाइसिस हो जाता है, जो कि हमने आपको यहाँ बताया FTP, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फाइब्रिन है, जिसको यूजुअली कोएगुलेशन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करना होता है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता जब ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो फाइनली क्या होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं डीफिब्रिनेशन सिंड्रोम, तो आल्सो कॉज एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी फाइब्रिनोलाइसिस। तो ये सेकेंडरी फाइब्रिनोलाइसिस की वजह से फाइब्रिन का जो पॉलीमराइजेशन था वो रुक जाता है, तो फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर डायग्नोसिस के बारे में हम बात करें, डेमॉन्स्ट्रेटिंग फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इन यूरिन, यूरिन के अंदर FTP प्रोडक्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स इन ब्लड, फाइब्रिन मोनोमर इन ब्लड मैक्सिमम मिलता है। लैबोरेटरी फीचर्स में देखा जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है, हाइपोफाइब्रोजेनीमिया यानी इसकी वजह से DIC की वजह से हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, कंजप्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स हो जाता है, इंक्रीज इन डी डाइमर एंड फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, प्रोलॉन्ग पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिंग टाइम, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोलॉन्ग थ्रोम्बिन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं। तो ये इसका डायग्नोसिस रहा। ट्रीटमेंट के बेस पे देखा जाए तो अर्ली डायग्नोस अगर मालूम हो जाए तो सबसे पहले वो एलिमिनेटिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से DIC हो रहा है उसको बाहर किया जाए,
दूसरा रिप्लेस कोएगुलेशन फैक्टर्स एंड प्लेटलेट जो कि ब्लड में कम हो गए हैं उनको रिप्लेस किया जाए। तो आई होप कि DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन से रिलेटेड ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे। अगर आपको लगता है ये चैप्टर आपको समझ में आया, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।